नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन उत्साह वेब टीवी में। और शिमला से इस वक्त मैं कपिल ठाकुर आपके बीच वेदर अपडेट लेकर, मौसम की जानकारी लेकर आपके साथ इस वक्त लाइव हुआ हूँ। तो बात करें मौसम की, तो पिछले 53 सालों का जो रिकॉर्ड वो शिमला में टूटा है। इस बार जो न्यूनतम तापमान, जो 17 तारीख का जो न्यूनतम तापमान है, वो 18 के बाद पहली बार जो है न्यूनतम तापमान शिमला के अंदर गया। लेकिन आज और कल यानी 19 और 20 को जो प्रदेश में येलो अलर्ट यानी मौसम खराब की संभावना और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो अंधड़ और वहाँ पर आने की जो है पूरी संभावना जताई गई है, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तापमान में कुछ गिरावट जरूर आएगी और एक राहत गर्मी से जो मिलेगी, जो मैदानी इलाकों में जो गर्मी का प्रकोप बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल के अनुसार उनका ये कहना है कि न्यूनतम जो तापमान है वो शिमला में पहली बार 53 साल में ऐसा हुआ है कि 18 पर जो है मार्च के महीने में 18 के ऊपर जो है न्यूनतम तापमान गया है। तो ये 53 सालों में पहली बार हुआ है। तो गर्मी का प्रकोप जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2022 में किस तरीके से गर्मी रहने वाली है, क्योंकि जब मार्च के महीने में इस तरीके से जो है तपा हुआ है हिमाचल, तो आने वाले आगामी दिनों में क्या हाल होगा ये जो है एक चिंता का विषय है। और फिलहाल आज और कल जो है मौसम खराब की संभावना है। तो ऐसे में एक प्रदेशवासी जो है आस लगाए हुए हैं कहीं ना कहीं गर्मी से उनको थोड़ी राहत मिलने वाली है। तो इसके चलते और हम यहाँ पर रिज मैदान पर इस वक्त जो यहाँ पर सैलानी आए हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर मौसम के अंदाज को देख रहे हैं। हालांकि आज आप देख सकते हैं मौसम किस तरीके से जो है बादल छाए हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आज बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना है। आज और कल दो दिन प्रदेश में मौसम खराब रहने का जो है पूर्वानुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनसे हम बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे और किस तरीके से जो है इनका जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ हम साझा करने का जो है पूरा यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ लोग भी मौजूद है सैलानी। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और कहाँ से आए आप? मेरा नाम अजय चौहान, मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से आए आप, तो किस तरीके से देख रहे हैं मौसम को? अगर बात करें शिमला और दिल्ली में तो कितना फर्क आपको महसूस हो रहा है? बहुत फर्क है, ठीक है। दिल्ली में तो बहुत हॉटेस्ट है, 35 डिग्री से भी ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर बात करें तो शिमला में पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूनतम तापमान 18 के पार हुआ, और ऐसे में आज और कल मौसम खराब रहने की संभावना है। तो क्या लगता है आपको कि मौसम खराब रहना चाहिए प्रदेश में, या किस तरीके से देखते हैं मौसम? नहीं, ज़्यादा खराब नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप अकेले आए या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ, एंजॉय कर रहे हैं आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो और भी यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी हम बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। और जी यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। अच्छा, आप कौन से लोग हैं? फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके सा जो है से जो मिला जुला जो है मौसम बना हुआ है। आज कभी धूप कभी छांव, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। फिलहाल बारिश जो है शिमला में इस वक्त नहीं हो रही है, लेकिन संभावना यही है कि बारिश यहाँ पर होने वाली है, और ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी की भी जो है संभावना है। जी, तो और भी यहाँ पर हमारे साथ सैलानी जो मौजूद है। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? प्रशांत, तो मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए आप, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप शिमला और दिल्ली में? कितना फर्क आपको तापमान में महसूस हो रहा है? अभी काफ़ी डिफरेंस है। अभी दिल्ली में गर्मी शुरू हो चुकी है, अभी यहाँ पे इतना नहीं है, टॉलरेबल है। अभी जैसे हीट का है, बट इट्स वेरी प्रेजेंट क्लाइमेट। दो दिन मौसम खराब रहने की संभावना है, तो किस तरीके से आप इंजॉय करेंगे यहाँ पर मौसम? नहीं, एक्चुअली हम दो दिन हो गया, अभी आज ही हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। दो दिन का फ्यूचर का कोई ऐसा कुछ पता नहीं है क्या होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाहर से यहाँ पर घूमने सैलानी आए हैं उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करें, क्योंकि अगर दिल्ली या किसी और जो राज्य की बात करें तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर जो है मौसम
काफ़ी जो है सहने लायक है, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है वहाँ से काफ़ी कम है, वहाँ से हाफ जो यहाँ का तापमान रहता है। तो दर्शकों, इस वक्त हम आपको मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ शिमला से साझा हुए थे कि किस तरीके का मौसम प्रदेश में रहने वाला है 19 और 20 को, जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो है मौसम खराब रहने की संभावना थी, बर्फबारी और बारिश का जो अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल जो यहाँ पर धूप लगी है, हालांकि बादल जो है काफ़ी नज़र आ रहा है, तो बादल भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर और कुछ तापमान में कमी आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल जो है गर्मी का प्रकोप शिमला में भी नज़र आ रहा है इस वक्त। तो फिलहाल के लिए दर्शकों बस इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए झुंझुनू वेब टीवी के साथ। शिमला से रिपोर्ट था।